हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड। चलिए आइए बेटा, आज शुरू करते हैं हम नया सब्जेक्ट ऑडिट। इट इज़ अ वेरी इजी, वेरी सिंपल सब्जेक्ट, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेटेड है। बस हाँ, कहीं कहीं कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगी जिनको हम साथ साथ समझते जाएंगे। आइए बेटा देखते हैं, आपके कोर्स में ऑडिट एक 100 मार्क्स का सब्जेक्ट दिया हुआ है, वेयर ऑडिट इज अ लैटिन टर्म। ऑडिट एक लैटिन लैंग्वेज की टर्म है और लैटिन की टर्म हम बहुत सारी एज इट इज इंडिया में यूज करते हैं, बिकॉज लैटिन इज द लैंग्वेज इन विच लॉ वॉज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब लॉ पहली बार लैटिन लैंग्वेज में बना। दैट इज द रीजन लैटिन की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम आज भी अपने लॉ में एज इट इज यूज करते हैं। और ऑडिट भी वही की एक टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग है टू एग्जामिन, किसी को चेक करना। अब ये चेकिंग तो आप डेली बेसिस पे करते हो, कोई काम सही कर रहा है या नहीं। आपके घर पे मेड है, मम्मा चेक करती है, मम्मा एग्जामिन करती है, वो अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं, कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रही, घर का सामान तो नहीं उठा रही, उसको जो काम दिया है उसमें वो लापरवाही तो नहीं कर रही। आप लोग डेली एग्जामिनेशन करते हो अपने फ्रेंड्स के ऊपर, ओ भाई तूने कितना पढ़ा, मैंने तो अभी तक इतना ही पढ़ा। आप अपनी गर्लफ्रेंड्स पे चेकअप रखते हो एंड अदर थिंग्स। तो सर डेली बेसिस पे हम ये एग्जामिनेशन करते ही करते हैं। इसको अब हम थोड़ा लीगल लैंग्वेज में समझेंगे, हम डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे तो हमें बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। ऑडिट विच मीन्स टू एग्जामिन इज अ 100 मार्क्स सब्जेक्ट जो आपके कोर्स में 4 पार्ट में डेलीगेट किया गया है। आपको 4 पार्ट में क्लासिफाई करना है। बेसिकली द फर्स्ट पार्ट इज कंपनी ऑडिट, जहाँ पे किसी सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कंपनी का ऑडिट कैसे, कब, किसको, कहाँ 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 कैसे कैसे करना है, ये सारी बातें बताई गई हैं। और इस कंपनी ऑडिट में हमें पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ना है 2013 का। तो बहुत से लोग जो लॉ पढ़ रहे हैं वो इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ के भी काफ़ी कॉमन प्रोविजंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कंपनी ऑडिट बेसिकली 20-25% की वेटेज रखता है, जहाँ पे इन जनरल केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडीज का मतलब होता है कि उन्होंने एग्जामिनर आपको कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस बना के दे देता है और आपकी इवैल्यूएशन जानना चाहता है कि एज एन ऑडिटर आप बताइए कौन सा सेक्शन, कौन सा लॉ इस सिचुएशन पे पर्टिकुलरली अप्लाई होगा, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे आंसर एक्सपेक्ट करता है। कंपनी ऑडिट में बहुत सारी बेसिक बातें आएंगी, कौन ऑडिटर कौन होगा, उसकी पावर एंड ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, कंपनी एक्ट में क्या क्या ऑडिट होने ज़रूरी हैं, कंपनी अकाउंट्स का ऑडिट कैसे होगा एंड सम प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3। सेकेंड पार्ट होगा आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिट, जिसके अंदर फर्दर हमें 2 पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट में तो हम बेसिक्स देखेंगे, जिसमें नेचर ऑफ ऑडिटिंग होगा, बेसिक्स होंगे, ऑडिट प्रिपरेशन, इंटरनल कंट्रोल, CIS ऑडिट एंड सो ऑन। एंड सेकेंड पार्ट में कुछ ऑडिटिंग की प्रोनाउंसमेंट्स होंगे। ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स में बेसिकली बेटा हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। बेसिकली ICAI 2 तरीके के स्टैंडर्ड्स देता है। वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको आप AS कहते हैं, एंड अनदर वन इज SAS, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। AS में इंस्टीट्यूट हमें गाइडलाइंस देता है कि किसी भी बुक्स में अकाउंटेंसी कैसे तैयार की जाती है, कैसे बुक्स प्रिपेयर की जाती है, क्या क्या आइटम्स की क्या क्या ट्रीटमेंट रहती है। और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में वो ऑडिटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि जो भी बुक्स बनी है उनको आपको कैसे एग्जामिन करना है। इनको हम ICAI प्रोनाउंसमेंट्स कहते हैं, जिसमें 2 पार्ट आपको दिखेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के एंड गाइडेंस नोट्स ऑफ ऑडिटिंग। बट अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग में कहूँ तो बेसिक कंसेप्ट्स आपके चाहे 40 नंबर का बेसिक्स हो या 15 से 20 नंबर के प्रोनाउंसमेंट्स हो, इन दोनों में ही SAS कवर है। हम आगे चल के ओवर द पीरियड देखेंगे कि नेचर में, बेसिक्स में, इंटरनल कंट्रोल में, इन सब में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का रोल आएगा, एंड वील ट्राई टू लर्न देम ऑल अकॉर्डिंगली, बिकॉज इट इज़ अ हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट अगर मैं इसको कहती हूँ तो यहाँ सेकेंड पार्ट में हमें SAS देखने को मिलेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। एंड थर्ड, या अकॉर्डिंगली हम इसको सेकेंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ कहें, तो फोर्थ एलिमेंट होगा हमारा ऑडिट पॉइंटिंग का, जहाँ पे हमें टू दी पॉइंट कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ गाइडलाइंस, कुछ चेकलिस्ट को फॉलो करना होगा जो इंस्टीट्यूट हमें बताएगा।
जिसमें पहला पार्ट होगा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का, जिनमें खर्चों को बैलेंस शीट के आइटम्स को कैसे वेरीफाई करना है हम उसके प्रोसेस को देखेंगे। सेकेंड पार्ट होगा स्पेशलाइज्ड ऑडिट का, जिसमें हम कुछ स्पेशल नेचर की ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे लाइक हॉस्पिटल्स, सिनेमा थिएटर्स, कॉलेजेस, स्कूल्स एट्सेट्रा, जिनका ऑडिट किस तरह से किया जाए उसके लिए हमें कुछ पॉइंटिंग करनी होगी। एंड थर्ड एलिमेंट विल बी गवर्नमेंट ऑडिट, जहाँ पे हमें गवर्नमेंट बुक्स, गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करने का तरीका बताया जाएगा। ये जो ऑडिट पॉइंटिंग्स होंगे दैट विल हैव एन वेटेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स आपका कंपनी ऑडिट, 20 मार्क्स ऑडिट पॉइंटिंग, 40 to 60 मार्क्स आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होगा, जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम लेगा। टुडे बेटा वी विल स्टार्ट अप विद कंपनीज ऑडिट। आज हम कंपनी ऑडिट से शुरू करेंगे। आइएगा देखते हैं कंपनी ऑडिट क्या होता है। कंपनी का मतलब क्या होता है आप मुझे सिंपली ये सोच के बताइएगा। आप लोग ऑलरेडी 11th 12th से जिन्होंने स्पेशली कॉमर्स में पढ़ा है उन्होंने बिजनेस स्टडीज में कंपनी का मीनिंग जरूर पढ़ा होगा। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है सर? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लॉ की निगाह में अपना एक अलग अस्तित्व है। आपने लॉ में पढ़ा होगा कि कुछ लोग जिनके दिमाग में आइडिया आता है कंपनी फॉर्म करने का उन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है और वो कुछ फॉर्मल लीगैलिटीज, डॉक्यूमेंटेशंस, फीस वगैरह देके एक पर्टिकुलर बॉडी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ले जाके रजिस्टर कराते हैं। एंड द मूवमेंट कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड, उसकी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तो कंपनी अपने अस्तित्व में, अपने एग्जिस्टेंस में आ जाती है। और एक बार कंपनी फॉर्म हो जाती है तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी उसमें कोई भी पैसा डाले उसको कोई भी मैनेज करे, जिसने पैसा डाला वो रहे ना रहे, जो मैनेज कर रहा है वो रहे ना रहे, कंपनी अपनी जिंदगी भर चलती रहती है परपेचुअल सक्सेशन में, जब तक उसको डिसॉल्व या वाइंड अप ना किया जाए। ठीक है, अब कंपनी के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं सर? कुछ लोग होते हैं जो इकट्ठा होते हैं। मान लीजिए मैं, मेरी सिस्टर और मेरी एक फ्रेंड, हम तीन लोग मिलके एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं। तो हम तीन जिनको आइडिया आया एजुकेशनल कंपनी फॉर्म करने का, हम लोग जब तक कंपनी नहीं बनी तब तक हम रहे प्रमोटर्स, और फिर जो भी लीगैलिटीज थी उसको पूरा करके हमने कंपनी को फॉर्म कर दिया। अब ये जो कंपनी फॉर्म हुई इसमें जो भी पैसा है, फंड रेजिंग या जिसको हम कैपिटल कहते हैं, ये सारा फंड रेजिंग का काम होता है शेयर होल्डर्स का। और शेयर होल्डर्स कोई भी हो सकते हैं। सर हम प्रमोटर थे, हम ही ने पैसा डाला तो हम शेयर होल्डर भी बन गए। और ये कंपनी पब्लिक में भी तब्दील हो सकती है, यानी हम आम जनता से भी पैसा मांग सकते हैं ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशंस। हम आगे चल के देखेंगे कंपनी एक्ट में कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ सेबी की गाइडलाइंस हैं, जिनके तहत हम कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा के आम जनता से भी पैसा रेज करवा सकते हैं। तो दिस शेयर होल्डर कैन बी एनीवन, बट उसका मेन काम होता है कंपनी में कंट्रीब्यूट करना, सो दैट कल को कंपनी उस पैसे से कुछ प्रॉफिट कमाएगी तो वो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को वापस दिया जाता है। ठीक है बेटा, अब जनरली मान लेते हैं शेयर होल्डर्स कुड बी लार्ज इन नंबर्स, इनकी संख्या ज्यादा है, लेट्स से 20, 30, 40, 50, 100, 200, कितने भी नंबर के हो सकते हैं। और इन सबको अगर कह दिया जाए कि आप कंपनी को मैनेज करो तो बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेशन का काम है। क्यों कॉम्प्लिकेशन का काम है? आपने कभी घर पे देखा होगा कि मम्मी और पापा को भी एक डिसीजन लेना पड़ता है तो दोनों में पहले आधा घंटा आर्ग्यूमेंट होता है, बहस होती है, यानी आसानी से दो लोगों को एक बात पे राजी कराने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। अब मान लीजिए हमारी कंपनी में 100 शेयर होल्डर हैं, 100 लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया, तो अब उन 100 के 100 लोगों को हम कह दें कि आप इस कंपनी को मैनेज करो, तो भाई साहब हर दूसरे दिन झगड़ा हुआ पड़ा रहेगा,
क्योंकि 100 लोग, जब एक बंदे से पूछा जाएगा तो हो सकता है एक बंदा एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए राजी हो जाए, दूसरा ना हो। मान लीजिए हम लोगों की कंपनी फॉर्म हो गई, आप हम हमारे फ्रेंड्स मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं। अब कल को हमें एक पीएन को अपॉइंट करना है, एक चौकीदार को अपॉइंट करना है, तो चौकीदार को अपॉइंट करने के लिए क्या सब 100 लोगों से पूछेंगे इसे अपॉइंट करें ना करें? तो सर ये तो बड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा, बहुत टेक्निकल हो जाएगा, यहाँ तो बेसिक कामों पे इतना टाइम लग जाएगा, कंपनी अपना काम कैसे देखेगी? तो लॉ मेकर ने कहा शेयर होल्डर्स को कि भाई साहब अब इस कंपनी को मैनेज करने के लिए एक अलग से टीम तैयार करो। वो टीम में आप ही लोग हो सकते हो, हम ये नहीं कह रहे बाहर से कोई तीसरा बंदा लेके आओ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कुछ सेलेक्टिव लोगों को चुन लो जो इस कंपनी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उठाए। तो अब शेयर होल्डर्स को बोल दिया गया कि आप कुछ लोगों को चुनिए, आप कुछ लोगों को अपॉइंट कीजिए एज डायरेक्टर्स। 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग हैं आप उनको चुन सकते हैं, और उन सब डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली अब से हम नाम देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स किस में से चुने जाएंगे? दे कैन बी अपॉइंटेड अमंग शेयर होल्डर्स, इनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैक्सिमम जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, जैसे हमने कंपनी फॉर्म की उसमें 51% शेयर्स मेरे हैं, मेरा सबसे ज्यादा पैसा लगा है, तो भाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिसका सबसे ज्यादा पैसा लगा है वो सबसे ज्यादा सिंसियरली काम करेगा बिजनेस में। भाई सोचने वाली बात है, मान लीजिए हम सब ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म की, आप भी उसमें हो शेयर होल्डर, लेकिन आपने खाली 1% कॉन्ट्रीब्यूट किया, मैंने 51% कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो बताइए आपकी जिम्मेदारी कंपनी में ज्यादा होगी या मेरी? ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरा बहुत सारा पैसा लगा है, कल को कंपनी कोई भी ऐसा गलत डिसीजन ना ले कि ये पैसा डूब जाए, लॉस में कन्वर्ट हो, तो मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहूँगी। देयरफॉर जनरली शेयर होल्डिंग के बेसिस पे शेयर होल्डर्स में से ही कुछ लोगों को डायरेक्टर चुन लिया जाता है। और हम आगे चल के देखेंगे कंपनी एक्ट ने कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी कंडीशन डाली है सो दैट बायस्ड डिसीजन ना ले। बायस्ड मतलब क्या होता है बेटा? मान लीजिए खाली मैं हूँ डायरेक्टर और मेरे हस्बैंड हैं, उनका भी 30% का शेयर होल्डिंग है, मैं मेरे हस्बैंड मेन डायरेक्टर हैं, तो हम तो अपनी डाइनिंग टेबल पे ही रात को बैठे बैठे कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसके चलते हमारा पर्सनल फायदा हो अदर देन अदर शेयर होल्डर्स। तो लॉ मेकर कहता है कि सर डायरेक्टर्स भी जो हैं जिनका पैसा लगा है वो तो डायरेक्टर्स रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बाहर से भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाने पड़ेंगे बोर्ड में, सो दैट शेयर होल्डर जो डायरेक्टर हैं वो अपने पर्सनल फायदे के बेस पे डिसीजन ना ले, बिकॉज कंपनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा लगा है, इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स, इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड सप्लायर्स जिन्होंने हमें उधार पे माल बेचा है। तो सर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं लेंगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी बैठाया जाएगा, एंड हूसोएवर यानी एक थर्ड पार्टी भी रहेगी इन द नेम ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन, और फिर इनको चुन के, इन दोनों को चुन के बोर्ड बैठाया जाएगा, और फिर बोर्ड इस कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करेगा, यानी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पैसे को मैनेज करेंगे जो शेयर होल्डर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब मान लो शेयर होल्डर्स हैं 100 और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 8, तो इन 8 लोगों की जिम्मेदारी होगी कि 100 लोगों द्वारा लगाए हुए पैसे को मैनेज करें, ठीक है। चलिए यहां तक की तो बात मैम समझ में आती है, बट इसके आगे क्या दिक्कत है? दिक्कत देखिएगा, लिमिटेड डायरेक्टर्स साल भर में कंपनी के पैसे को खर्च करते हैं और उस खर्चे से कुछ कमाई क्रिएट करते हैं, यानी इस पैसे से डायरेक्टर्स बिजनेस रन करते हैं, और जो भी बिजनेस रन करते हैं उसको डायरेक्टर्स को शो करना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी की प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिख के बताना पड़ता है कि शेयर होल्डर्स द्वारा, सारे शेयर होल्डर्स द्वारा कॉन्ट्रीब्यूटेड पैसा उन्होंने कहां कहां कब कब कैसे कैसे खर्च किया,
अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेनली चार एलिमेंट्स आते हैं. वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आप रेवेन्यू नेचर के खर्चे और कमाई लिखते हो. अनदर वन इज बैलेंस शीट, जिसमें कैपिटलाइज्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आते हैं. थर्ड वन इज नोट्स टू अकाउंट्स, अकाउंट्स के नीचे आप कुछ नोट्स देते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड ऑल के. एंड लास्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें आप कैश का फ्लो बताते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो कितना आया. शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर्स ये चार डॉक्यूमेंट्स बना के डिपॉजिट करते हैं और शेयर होल्डर्स को कहते हैं कि सर जो भी साल भर का खर्चा था वो इसमें लिखा हुआ है. अब शेयर होल्डर्स क्या डायरेक्टर्स द्वारा लिखी हुई बात को आंख बंद करके विश्वास कर ले? सर प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स कुछ चुनिंदा है. हो सकता है उन्होंने किताबों में कुछ घपला किया हो, हो सकता है 10,000 का खर्चा हुआ हो, प्रॉफिट एंड लॉस में उन्होंने 25,000 का खर्चा दिखा दिया हो, जिसके चलते 15,000 कम प्रॉफिट दिखा और वो 15,000 रुपए डायरेक्टर ने अपने आप आपस में बांट लिए हो. तो सर देयर कुड बी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शंस लिखी हैं वो शायद इतनी एक्यूरेट ना हो जितनी होनी चाहिए. तो कंपनी लॉ शेयर होल्डर्स को, जिनका पैसा लगा है, उनको पावर देता है कि भाई साहब आप एक ऐसा बंदा चुन के लाइए जिस पे आपको भरोसा हो, और वो जो भी बंदा होगा उसको इतनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए कि वो किताबों को प्रॉपरली एग्जामिन कर सके. यानी शेयर होल्डर्स को कहा कि अब आप अपॉइंट कीजिए एक थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन, एक थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन, एक ऐसा बंदा चुन के लाइए जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? थर्ड और इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट एक ही बात कहना चाह रहा है. थर्ड का मतलब आपस में कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट का मतलब कोई कनेक्शन नहीं, यानी ही डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद, उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए विद कंपनी, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. एंड दूसरी कंडीशन ये है कि ही मस्ट बी अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन. वो प्रोफेशनली इतना क्वालिफाइड होना जरूरी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली देख सके. तो हम आगे चल के देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा कौन रखता है अच्छे से. सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम लोग. तो उन्होंने कहा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए हु इज प्रैक्टिसिंग, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये प्रैक्टिसिंग कौन होता है? सर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डिग्री लेने के बाद, मेंबरशिप लेने के बाद खुद की सेल्फ प्रैक्टिस शुरू करता है आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. यानी बेटा प्रैक्टिकली क्या होता है, जब हम सीए कंप्लीट करते हैं सीए की डिग्री, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. या तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई बन सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, या हम इंडिपेंडेंटली अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं जिसमें हम किसी के एम्प्लॉई नहीं हैं, हम खुद से अपनी क्लाइंटेल बनाते हैं और एक्सटर्नल बेसिस पे, आउटसोर्स बेसिस पे अपने क्लाइंट्स का काम करते हैं. तो उन्होंने कहा सर हमारी निगाह में वो ही इंडिपेंडेंट है जो सेल्फ प्रैक्टिस में है, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है तो सर एम्प्लॉई तो हमेशा प्रेशर में रहता है. मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन करती हूँ और मैं बैंक में एम्प्लॉई हूँ, तो एज एन एम्प्लॉई अगर मैं बैंक की बुक्स चेक करने गई तो एम्प्लॉयर मेरे को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकता है. कल को मान लीजिए ऑडिट के दौरान मुझे बुक्स में बहुत गड़बड़ दिखी, मैंने एम्प्लॉयर को कहा सर यहाँ पे तो 50 करोड़ का घपला है, तो एम्प्लॉयर मुझे कह देगा देखो नौकर हो, एम्प्लॉई हो, नौकर बन के रहो, कल को तुमने ये घपला ज़्यादा हाईलाइट किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा. तो सर भाई मुझे तो अपना घर चलाना है, मुझे तो अपनी नौकरी प्यारी है, तो फिर ऐसे केस में मैं गलतियाँ हाईलाइट नहीं करूँगी. तो लॉ मेकर ने कह दिया सर ये जो एम्प्लॉई है ना ये इंडिपेंडेंट कभी नहीं होता, ये हमेशा एम्प्लॉयर के प्रेशर में होता है, तो ऐसे बंदे को कभी भी आप ऑडिटर मत चुनना. यानी ऑडिटर शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसके लिए कंडीशन इंस्टीट्यूट ने डाली दैट ही मस्ट बी हैविंग हिज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है. अब इस प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा कि जाइए और जाके इन बुक्स को
एग्जामिन कीजिए, और एग्जामिन करने को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट। ऑडिट कीजिए, और जो इन किताबों को ऑडिट कर रहा है उसे क्या नाम दे दिया गया? ऑडिटर। जो इन किताबों को ऑडिट करेगा उसे क्या नाम दे दिया गया? ऑडिटर। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि सर कंपनी तो हमेशा ही सेपरेट लीगल एंटिटी है, और इसमें पैसा हमेशा ही शेयर होल्डर्स का लगा होगा, और मैनेजमेंट हमेशा डायरेक्टर्स ही देख रहे होंगे, तीन अलग अलग लोग हैं, तो भाई साहब इस कंपनी का ना ऑडिट कंपल्सरली करवा लेना, यानी इस कंपनी की किताब जो डायरेक्टर्स ने बनाई और पैसा शेयर होल्डर का था, इन किताबों को 100% हर साल आपको एग्जामिन करना ही पड़ेगा। यानी कंपनीज एक्ट ने कंपनी के ऑडिट को कंपल्सरी कर दिया। उन्होंने कहा हर कंपनी का ऑडिट होना कंपल्सरी है, और एनीथिंग विच इज कंपल्सरी अंडर लॉ बिकम्स स्टैचुटरी। कोई भी ऐसी चीज जो लॉ के तहत कंपल्सरी है वो क्या बन जाएगी? स्टैचुटरी। देयरफोर आज से कंपनी के ऑडिट को हम स्टैचुटरी ऑडिट, एंड कंपनी के ऑडिटर को हम स्टैचुटरी ऑडिटर का नाम दे देंगे। ठीक है, कंपनी के ऑडिट को अब से हम क्या बुलाएंगे? स्टैचुटरी ऑडिट, बिकॉज दिस इज एन ऑडिट विच इज कंपल्सरी अंडर कंपनीज एक्ट, एंड द पर्सन ऑडिटिंग सच बुक्स इज नोन एज स्टैचुटरी ऑडिटर। और स्टैचुटरी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? एनीथिंग विच इज कंपल्सरी अंडर लॉ। और कंपनी का ऑडिट होना किसने कंपल्सरी किया? कंपनीज एक्ट 2013 ने। भाई सिंपल सी बात है, क्यों कंपल्सरी किया? क्योंकि यहाँ पे पैसा तो किसी और का लगा था और उसको देख कोई और रहा था, तो क्रॉस चेक होना बहुत जरूरी है कि जो भी किताबों में खर्चे चढ़े हैं वो सही तरह से चढ़े हैं या नहीं। ठीक है बेटा, अब स्टैचुटरी ऑडिटर आया, और स्टैचुटरी ऑडिटर को किसने चुना? शेयर होल्डर्स ने चुना। किसके लिए चुना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बनाई हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए चुना। जो बुक्स किसकी है? कंपनी की है। अब स्टैचुटरी ऑडिटर आएगा और क्या करेगा? ऑडिट करेगा, एग्जामिन करेगा, देखेगा कि जो भी बुक्स में एंट्री हुई है वो एंट्री बिल्कुल सही है या नहीं। एंड आफ्टर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा? सोच के बताइए। आफ्टर एग्जामिनेशन, आफ्टर ऑडिटिंग, रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कर देगा कि हाँ भाई जो भी उसको फाइंडिंग्स मिली कि सब कुछ सही है, तो वो शेयर होल्डर को कह देगा हाँ जी सर बुक्स बिल्कुल सही है, या अगर बुक्स में कोई कमियां मिली, कोई गलतियां मिली, तो वो शेयर होल्डर्स को वो गलतियां बता देगा, सो दैट अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर्स डायरेक्टर से वो गलतियां सही करवाए। और अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कि डायरेक्टर्स किताबों में गड़बड़ कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स कैन चेंज दी डायरेक्टर्स ऑल्सो। ठीक है बेटा, यहां तक की बात एकदम क्लियर? चलिए दिमाग में बिठाइएगा एक बार इन सारे स्टेप्स को। सबसे पहले कंपनी कौन सी जगह थी? एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी जिसमें पैसा कौन दे रहा था? शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किए डायरेक्टर्स, और वो डायरेक्टर्स आके कैपिटल को मैनेज कर रहे थे। मैनेज करने के साथ साथ उन्होंने सारी मैनेजमेंट बुक्स में शो की, जो बुक्स में शो की गई मैनेजमेंट उसको शेयर होल्डर्स ऑडिटर द्वारा अब चेक करवाएंगे। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी शेयर होल्डर्स ही करेंगे क्योंकि उन्हीं का पैसा लगा है, तो वो एक इंडिपेंडेंट ईमानदार व्यक्ति चुन के लाएंगे, और फिर शेयर होल्डर्स आके ऑडिट करेगा, किताबों को देखेगा सब कुछ सही है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली लास्टली वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कर देगा इसके बारे में। ठीक है बेटा, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट कंपनीज ऑडिट। इस सिचुएशन को, इस पूरे ऑडिट के प्रोसेस को अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शेयर होल्डर्स किस बंदे को एज एन ऑडिटर चुन के लाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। सबसे पहले हम कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, स्टैचुटरी ऑडिटर कौन है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस क्या है। ठीक है बेटा, सो लेट्स सी ऑल दोज थिंग्स। सबसे पहले चेक करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स की बात करता है।
जिसमें सेक्शन है सेक्शन 141, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 141 हमें एलिजिबिलिटी बताएगा, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर बताएगा, जिसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी में उन्होंने कहा कि ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन होना चाहिए ऑडिटर? ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या है? सीए की डिग्री लेने के बाद, ट्रेनिंग आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद, इंस्टीट्यूट को आप अप्लाई करेंगे मेंबरशिप लेने के बाद कि सर हमें खुद की प्रैक्टिस करनी है, वी डोंट वांट टू बी अंडर एनी एम्प्लॉयमेंट। जब आपको इंस्टीट्यूट आफ्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे देगा, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहा जो भी है ऑडिटर, ही कैन बी एन इंडिविजुअल। वो या तो एक इंडिविजुअल हो सकता है या एक पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, इंक्लूडिंग LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा क्यों बोला सर? ऐसा इसलिए बोला बिकॉज जनरली एक पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल की अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है यहां पे लाइबिलिटी गिनी चुनी नहीं होगी, तो चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन कम होगी। पैरेलली इसी बात को डिस्क्वालिफिकेशन में दिया गया। डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में दी गई है, जिसमें वो कहता है अ बॉडी कॉर्पोरेट इज डिस्क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। ऐसा क्यों बोला इस बात को जरा समझिएगा, देखते हैं। लॉ मेकर कहता है सर मान लीजिए एक कंपनी जिसके अंदर 5 शेयर होल्डर्स हैं और पांचों के पांचों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन ये तो सिर्फ शेयर होल्डर्स है ना, और कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब मान लीजिए शेयर होल्डर्स लिमिटेड बाय कैपिटल है, यानी हर एक की लाइबिलिटी है 1-1 लाख रुपए तक की। उनकी लाइबिलिटी, हर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी है? 1-1 लाख रुपए कंपनी में कॉन्ट्रीब्यूट करना। अब कल को ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी, लेट्स से ये है कंपनी एक्स जिसमें सारे शेयर होल्डर सीए विद सीओपी है, ये कंपनी एक्स कंपनी वाई की ऑडिट करने जाती है और वहां ऑडिटिंग के दौरान ऑडिटर डायरेक्टर्स के साथ मिली भगत कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं कॉल्यूजन करना, मिली भगत करना। मिली भगत मतलब डायरेक्टर्स की उन्होंने कुछ गलती ढूंढ के निकाली, ऑडिटर्स ने करीब 50 करोड़ की गलती ढूंढ के निकाली, डायरेक्टर्स ने ऑडिटर्स को कहा सर 50 में से 10 करोड़ आप रख लीजिए और ये बात किसी को मत बताना, बाकी 40 करोड़ हमारे। ऐसी मिलीभगत हो गई, ऑडिटर्स ने डायरेक्टर्स का साथ दिया और शेयर होल्डर्स को बेवकूफ बनाया। मीटिंग में आगे चल के रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स को कहा गया कि सर सब कुछ सही है, लेकिन शेयर होल्डर्स के पैसे से जो 50 करोड़ का प्रॉफिट मिला था वो शेयर होल्डर्स को ना मिलके डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स ने आपस में बांट लिया। कल को चेकिंग में उनकी ये मिली भगत पकड़ी गई, फाउंड हुई, जिसमें 5 शेयर होल्डर्स ने 10 करोड़ बांट लिए थे आपस में, यानी हर एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर होल्डर ने 2-2 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। अब कंपनी वाई के शेयर होल्डर्स, कंपनी वाई के शेयर होल्डर्स ने केस फाइल किया कंपनी एक्स पे कि ये ऑडिटर ने हमें धोखा दिया है और हमारे पैसों का मिसयूज किया है, मिस अप्रोप्रिएशन किया है। तो केस किस पे फाइल हुआ? कंपनी पे, और कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन भी है, कंपनी खुद तो ऑडिट करने जा नहीं सकती, तो कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के शेयर होल्डर्स ने ऑडिट किया। कंपनी कहती है ठीक है सर 10 करोड़ की मेरे पे आपने लाइबिलिटी डाली है, लेकिन मेरे पास तो खाली 5 लाख रुपए हैं, क्योंकि 5 शेयर होल्डर हैं, हर एक को खाली 1-1 लाख रुपए देना है, यानी 5 लाख मेरे पास है, आप रख लो 5 लाख। अब कंपनी एक्स ने केस के बाद कंपनी वाई को 5 लाख दे दिए, क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स जो 5 शेयर होल्डर्स थे उनकी 1-1 लाख की लिमिटेड लाइबिलिटी थी।
एक एक लाख की लिमिटेड लाइबिलिटी थी, शेयर होल्डर्स ने लाइबिलिटी अपनी पूरी कर दी, ये फ्री हो गए। अब क्या कंपनी वाई के शेयर होल्डर्स इन शेयर होल्डर्स पे केस फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट में कौन है? ऑडिटर कंपनी है, और कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसमें शेयर होल्डर्स का कुछ लेना देना नहीं। तो सर लॉ मेकर ये बात भली बात ही जानता है कि अगर हमने ऑडिट किसी कंपनी से कराया बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसमें एक्चुअल डूअर जो एक्चुअल ऑडिटिंग कर रहा है और पेपर पे जो ऑडिटर है, ये दोनों अलग अलग है, और इसके चलते बहुत इजीली धोखे धड़ी हो सकते हैं। देयरफॉर कंपनीज एक्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि सर एक कंपनी का ऑडिट कभी भी कोई दूसरी कंपनी नहीं करेगी, बिकॉज वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन है तो खुद से चेकिंग करेगी नहीं, भेजेगी शेयर होल्डर्स कोई। तो जब आना इन्हीं को है चेकिंग के लिए, तो ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ सकते हैं या कोई पार्टनरशिप फर्म बना के आ सकते हैं, सो दैट कल को अगर ऐसी कोई गड़बड़ पाई गई तो इन इंडिविजुअल पर्सन को या फर्म के पार्टनर को हम अनलिमिटेड स्केल तक लायबल कर सके, और जितने भी पैसों का उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया है उनसे वो पैसे निकलवा सकें। तो मैम एलएलपी में तो लायबिलिटी लिमिटेड है, तो बेटा एलएलपी अमेंडेड पार्ट आया और एलएलपी में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऑल दो एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन अगर कोई पार्टनर गलती करते हुए पाया गया तो वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा फर्म की, और फिर वो पर्टिकुलर पार्टनर शैल बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर सच डिफॉल्ट। तो बेसिकली इस डिफॉल्ट को, किसी भी तरीके के डिफॉल्ट के लिए पर्सनली अनलिमिटेड स्केल तक ऑडिटर को लायबल करने के लिए ये कंडीशन डाली गई। और एक बार जब ऑडिटर को पता लग जाए कि भाई साहब मेरे पास सीए की डिग्री बड़ी मुश्किल से आई थी, मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैं खाली 2.5 करोड़ 2 करोड़ के लालच में अगर कोई गलती करता हूँ और कल को पकड़ा जाता हूँ, तो मुझे अपनी जेब से वो पैसा तो भरना ही पड़ेगा, साथ साथ इंस्टीट्यूट भी मेरी डिग्री छीन सकता है। तो ऐसे डर के चलते ऑडिटर जनरली गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। हम आगे चल के धीरे धीरे देखेंगे, अभी तो हम खाली कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस देख रहे हैं, और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में ये डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है। ऑल्दो ओवर दी क्लासेस हम आगे चल के देखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी कुछ कंडीशंस डाली हैं, और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स बताए गए हैं, जिसके चलते अगर कोई भी ऑडिटर कुछ गलती ज़्यादा सीवियर नेचर की करता हुआ पाया गया तो उसकी डिग्री तक छीनी जा सकती है, उसे इंस्टीट्यूट से ब्लैकलिस्ट तक किया जा सकता है। ठीक है बेटा, सो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले अ सीए हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन बी एन ऑडिटर इन आइदर इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी और इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी इफ मेजॉरिटी। अब मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, और उस फर्म में 8 पार्टनर्स हैं, तो वो कह रहा है 8 में से मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स मस्ट बी सीए having a certificate of practice to practice in India. Majority का मतलब क्या है, 8 में से 4 आधे हो गए, but उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो अब बंदा आधा तो कट नहीं सकता, तो यानी 8 में से 5 लोग कम से कम CA होने चाहिए, और उनके पास certificate of practice होना चाहिए to practice in India. ध्यान रखिएगा next element. उन्होंने क्या बोला, कहाँ की practicing certificate होना चाहिए, India का। अगर ये तीनों condition satisfy होंगी तो हम उस बंदे को एज अ स्टैचुटरी ऑडिटर कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं, और जनरली कौन अपॉइंट करेगा इन्हें, शेयर होल्डर्स जिनका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। ऑल दो अभी हम आगे चल के देखेंगे कुछ और लोग भी अपॉइंटमेंट कर सकेंगे। आगे वो कहता है ओनली अ सीए पार्टनर शैल बी ऑथोराइज टू एक्ट और साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मान लीजिए हमारी फर्म है 8 पार्टनर्स है, 8 में से 5 पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो वो कह रहा है कि वो जो 5 पार्टनर्स है जिनके पास सीए की डिग्री और सीओपी है, सिर्फ और सिर्फ वो ही ऑडिट करेंगे, और ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होगी, वो बाकी 3 पार्टनर्स जिनके पास डिग्री नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है प्रैक्टिस का इंडिया में, वो लोग ना तो ऑडिट करेंगे ना साइन करेंगे। लेकिन कल को अगर फर्म के ऊपर कोई केस चला, कोई धोखाधड़ी, कोई कॉल्यूशन का डिस्प्यूट आया, तो हम 8 के 8 पार्टनर्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहती है फॉर द एक्ट ऑफ 1 पार्टनर ऑल द अदर पार्टनर्स शैल बी हेल्ड लायबल।
ठीक है. फर्म कैन बी नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म और एन एलएलपी प्रोवाइडेड उस फर्म में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, ध्यान रखिएगा मेजॉरिटी की बात की गई है. पहले यहाँ पे ऑल पार्टनर्स हुआ करते थे, वो कहता था फर्म के सारे पार्टनर्स सीए होने चाहिए, बट वो बात अब उन्होंने अमेंड कर दी एंड नाउ दे आर सेइंग कि सब पार्टनर्स का सीए होना जरूरी नहीं है. अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर सीए एंड हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस इन इंडिया, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, देन दे कैन बी एलिजिबल, दे शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर बाय द कंपनी. ठीक है. इसके आगे उन्होंने फर्दर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस दी हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज हम फर्स्ट क्लास है इसलिए छोटी सी रखेंगे. नाउ ऑनवर्ड्स जो नेक्स्ट सेशंस हुआ करेंगे वो आपके 1 आवर टू 1.5 आवर के बीच में हुआ करेंगे. नेक्स्ट क्लास में बेटा हम कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस देखेंगे कि कौन कौन लोग एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं होते. तो टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.